स्मृति नगर में अजगर सांप देखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद कुछ लोग अजगर सांप के बच्चे को मारने को आतुर नजर आए, लेकिन बड़ों की समझाइश से अजगर को नहीं मारा गया। इसकी जानकारी मिलते ही स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे मौके पर पहुंचे और अपने सहयोगियों की मदद से अजगर को पकड़ा, फिर उसे शहर से दूर लाकर छोड़ा गया। सांपों के बारे में जानकारियां रखने वाले राजीव चौबे ने सांपों के काटने के उपचार और प्रजातियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। सामान्यतः हमारे क्षेत्र में सांप निकलते रहते हैं। कल स्मृति नगर के क्रॉस स्ट्रीट 6 में श्री सी एस तिवारी जी के मकान के बाहर एक अजगर का बच्चा बैठा हुआ था। लगभग 5.5 फुट का अजगर था। मुझे खबर हुई तो मैंने गया और हमने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए करने के बाद उसको निर्जन स्थान में छोड़ा गया है। जी सांप तो ऐसा है कि सामान्यतः पाया जाता है भिलाई क्षेत्र में और आसपास के सभी क्षेत्रों में सांप रहते हैं, सभी प्रकार के सांप रहते हैं। सांप सामान्यतः निकलते ही रहते हैं और बारिश के मौसम में ज़्यादा निकलते हैं। धीरे धीरे ठंड आ रही है तो ये सांप को जो है, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं जो सरीसृप होते हैं, ये हाइबरनेशन में जाते हैं। जब ठंड जब बढ़ जाती है तो ये अपने बिलों में जाकर 4-6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए लगभग वो एकांत स्थान में बैठ जाते हैं। तो 4 महीने जो ठंड के जो होते हैं उसमें ये नहीं दिखते। फिर जब गर्मी पड़ती है तो ये सांप बाहर आने लगते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है या बारिश होती है तो सांप बाहर आ जाते हैं। तो ये सांप तो सामान्यतः पाए जाते हैं हमारे यहाँ। जी नहीं, निर्जन स्थान मैत्री बाग वालों से चर्चा हुई, जिनके मकान में निकला, वो खुद बीएसपी के बड़े अधिकारी हैं श्री शिखर तिवारी। उन्होंने बात चर्चा की तो मैत्री बाग वालों को कहना था कि हमारे पास अजगर इतने हुए हैं कि हम खुद उनको जंगल में छोड़ने की तैयारी में हैं। तो वर्तमान में वो लेने की स्थिति में नहीं थे तो उनको निर्जन स्थान में नाले के पास जो है वो छोड़ा गया है। सांपों की प्रजाति के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी तो बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जहरीले सांपों की और सामान्य सांपों की क्या पहचान है। देखिए, सांपों की पहचान मेरे हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए कि सामान्य रूप से ये बहुत ही कॉमन जो है प्राणी है, जीव है, जो निकलते रहते हैं और अनजाने में, जानकारी के अभाव में इनकी हत्या हो जाती है। आपको बताना चाहूँगा कि 1000 से ज़्यादा प्रजातियाँ सांपों की भारत में पाई जाती है, जिसमें मात्र 3 प्रजाति जो है वो जहरीली होती है। तो 3 प्रजाति में कोबरा, क्रेट और वाइपर, कोबरा जिसको हम नाग कहते हैं, तो इनकी उपजातियां होती है। कोबरा में 3 प्रकार के कोबरा हमारे भारत में मिलते हैं। एक तो स्पेक्टिकल्ड कोबरा होता है जिसको हम भारतीय नाग कहते हैं, जिसके पीछे आप देखेंगे उल्ट जो होता है वो फन फैलाता है और उसके फन के पीछे एक चश्मे के आकार का रहता है, या कृष्ण भगवान का खड़ा भी उसको कहते हैं कि उसके ऊपर बना हुआ है, तो वो हो गया स्पेक्टिकल कोबरा। दूसरा होता है मोनोकॉर्ड कोबरा, जिसके फन के ऊपर गोल चक्र बना होता है। तीसरा होता है किंग कोबरा, जो सबसे लंबा विशाला सांप जो भारत में पाया जाता है वो किंग कोबरा है, जिसकी लंबाई 18 फीट तक होती है। वो छत्तीसगढ़ में, बस्तर और उड़ीसा के अंचल में और आसाम में और इस तरफ पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के कोबरा होते हैं। उसके बाद वाइपर होता है, जो सबसे बड़े दांत वाला जो सांप होता है वो रसल वाइपर हमारे यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा पिट वाइपर है, इसके अलावा सॉस्केड वाइपर है। तो 2-3 प्रजातियाँ वाइपर की होती है। इसके अलावा करेट है, करेट सांप जो होता है वो 2 प्रकार का पाया जाता है हमारे यहाँ। एक कॉमन करेट है जिसको छत्तीसगढ़ में घोड़ा करायत भी कहा जाता है, और एक बैंडेड करेट है जिसको अहिराज के नाम से जानते हैं, काले और पीले रंग की पट्टियों वाला होता है। ये विषैले सांप है, इनको हैंडल करने के समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। शेष जितने भी सांप हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो सब जो है नॉन वेनेमस, गैर विषैले सांप हैं, जिसमें सबसे लंबा सांप जो है अधिकतर हमारे यहाँ पाया जाता है वो धामन है, जिसकी लंबाई लगभग 10-11 फीट तक भी चली जाती है और बहुत तेज भागने वाला सांप है, जिसको देखकर सामान्यतः आदमी बुरी तरह से डर जाता है और डर के कारण उसको जहरीला समझ के या तो मार देता है या इनके धोखे से भी, इनके काटने से कई बार आदमी जो है वो भय के कारण हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे सांप जो है आप YouTube देखिए, गूगल सर्च करिए, तो सामान्यतः आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाती है। मैं भी ऐसा कोई एक्सपर्ट ऐसे नहीं बन गया, देखते देखते बचपन से सांपों के बारे में जानकारी का रखने की एक रुचि थी और सांप पकड़ने का मेरा एक वो था, मैं पकड़ लेता था बचपन से सांपों को। तो धीरे धीरे मैंने सांपों के बारे में जाना और जानकारी लेने के बाद पता चला कि मात्र 3 प्रजातियाँ जो जहरीली होती हैं। तो इस प्रकार के सांपों को कभी मारा ना जाए, मेरा यही कहना है कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सांप अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको कभी मारना नहीं चाहिए। इनको पकड़ के रेस्क्यू कर दें, आपसे नहीं हो सकता तो एक्सपर्ट को बुलाएं। हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा कि किसी भी वीडियो को देखकर
या किसी अन्य को देखकर जो जिनको अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं है वैसे व्यक्ति सांपों के साथ छेड़छाड़ ना करें, ये विशेष रूप से हिदायत देना चाहूँगा मैं लोगों को। किसी भी कीमत में सांपों के अगर विषैला सांप आपको काटता है तो कोई बैगा गुनिया नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, किसी प्रकार की जड़ी बूटी नहीं। एकमात्र उपाय है कि आपको शासकीय चिकित्सालय जाना है जहाँ एंटीवेनम उपलब्ध रहता है हमेशा आपको, और किसी हॉस्पिटल इधर उधर जाते हैं तो भटकना पड़ सकता है निजी अस्पतालों में, इसलिए सीधे आपको शासकीय अस्पताल जाना है, जिला चिकित्सालय जाना है या अन्य कोई शासकीय अस्पताल जो पास में हो जाना, वो एंटीवेनम रहता है और तत्काल एंटीवेनम जो है वो लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है सांप के काटे का।